इस वक्त दुनिया भर में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है और AI के क्षेत्र में जिस कंपनी को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है वो है OpenAI। हाल ही में कंपनी ने अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया है, जहां कुछ दिनों पहले ही कंपनी के बोर्ड ने OpenAI के को फाउंडर और CEO सैम ऑल्टमैन को निष्कासित किया था, तो वहीं अब अपना नया CEO नियुक्त किया है। तो चलिए जानते हैं कौन है OpenAI के नए CEO। OpenAI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एमेट शियर को अपना नया CEO नियुक्त किया है। 40 वर्षीय अमेरिकी मूल के एमेट शियर येल यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र है। एमेट शियर एक अनुभवी सिलिकॉन वैली संस्थापक है। उन्हें स्ट्रीमिंग कल्चर का पायनियर माना जाता है। शियर 2011 में लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट ट्विच के सह संस्थापक है। साल की शुरुआत में उन्होंने हाल ही में बेटे के जन्म के कारण ट्विच के CEO पद से इस्तीफा दिया था। ट्विच से पहले शेयर वाई कॉम्बिनेटर के साथ जुड़े हुए थे। ये कंपनी स्टार्टअप को लॉन्च करने के लिए फंडिंग करती है। वाई कॉम्बिनेटर ने Airbnb, ड्रॉपबॉक्स और रेडिट समेत कई कंपनियों को लॉन्च करने में मदद की है। अप्रैल 2023 में शेयर वाई कॉम्बिनेटर में दोबारा विजिटिंग ग्रुप पार्टनर के तौर पर शामिल हुए हैं। OpenAI के नए CEO बनने पर एमेट शियर काफी खुश है। उन्होंने एक्स अकाउंट के जरिए अपनी खुशी और भविष्य के लिए योजनाएं साझा की है। एमेट ने लिखा कि मैंने हाल ही में अपने 9 महीने के बेटे के जन्म के कारण ट्विच के CEO से इस्तीफा दिया था। मैं खुशी खुशी पूर्णकालिक रोजगार से बच रहा था। मैंने यह नौकरी इसलिए ली क्योंकि मेरा मानना है कि OpenAI वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों में से एक है। जब बोर्ड ने मुझसे यह भूमिका निभाने के लिए कहा तो मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो मदद करना मेरा कर्तव्य है। भविष्य के लिए उन्होंने लिखा कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमारी साझेदारी मजबूत बनी हुई है और आने वाले हफ्तों में मेरी प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने सभी ग्राहकों को अच्छी सेवा देना जारी रखें। आपको बता दें कि OpenAI बोर्ड ने नए CEO का चुनाव पुराने CEO को बर्खास्त करने के 2 दिनों बाद ही किया है, जो कि हैरान करने वाली बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑल्टमैन कथित तौर पर AI चिप स्टार्टअप बनाने के लिए धन जुटाने के पक्ष में था और बोर्ड इससे असहमत था। वहीं द इंफॉर्मेशन के अनुसार कंपनी AI को सुरक्षित रूप से विकसित कर रही है या नहीं, कई कर्मचारी इस बात पर चिंतित थे, जिसके बाद ऑल्टमैन को नौकरी से निकाल दिया गया और नए CEO एमेट शियर को चुना गया। अब देखना होगा कि एमेट शियर अपने अनुभव के दम पर OpenAI को किस ऊंचाई तक ले जाते हैं।